दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भानु हॉस्पिटल्स कुल्लू एंड सुंदरनगर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी के लिए सोमवार को 14.36 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से खोला नाला खड्ड पर 1.67 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 25 मीटर स्पेन पुल का शिलान्यास किया। वहीं 1.56 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले खोला नल स्कूल के अतिरिक्त भवन, 1.55 करोड़ के पंचायत स्कूल भवन और 2.74 करोड़ के सोमनाशनी स्कूल भवन की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने 1.46 करोड़ से बनने वाली शार्टी स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला और 78 करोड़ के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास किया। सीएम जयराम ने इसके अलावा कई परियोजनाओं की शुरुआत की। आपने जो पूर्व में शिलान्यास करवाए थे और उनकी मैं आपको पेयजल योजना सेगली सेरी सोमगार, इन सभी का आज हमारे बीच में बहुत से यहां अधिकारी हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसडीएम गोहर श्री अनिल भागवत जी, वीडियो कॉलेज इंजीनियर इंजीनियर आयुर्वेदिक अधिकारी मंडी उपमंडली आयुर्वेदिक प्रदेश कार्य समिति मंडल के पदाधिकारी ओबीसी मोर्चा किसान मोर्चा के सभी अध्यक्ष महामंत्री और संजीव शर्मा जी स्थानीय प्रधान तथा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस आज का दिन बनने वाली 10 दिन विकास योजना आज के इस कार्यक्रम में अभी आपने देखा कि बाली चौकी क्षेत्र के विकास के लिए जो विभिन्न योजनाएं जिसमें आज एक साथ हमने 10 पूरे कार्यक्रम जो है वो आज शिलान्यास के किए हैं। आज वास्तव में मैं चाहता तो था कि आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में वहां पर उपस्थित होता और कार्यक्रम भी हमने बना दिया था, सारी रूपरेखा भी हमने तय कर दी थी, कहां कहां अलग अलग जगह हमने कार्यक्रम रखे थे, लेकिन एक बार फिर से इस कोविड के संकट की वजह से हमको वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। काम हमारे विकास के रुके ना, विकास के कार्यक्रम हमारे चलते रहे, उसमें विलंब ना हो, सभी साथियों के साथ चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने ये तय किया कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बाली चौकी क्षेत्र में हमारे जिसके लिए हमने बजट प्रोविजन किया हुआ है, टेंडर की हमारी औपचारिकताएं भी उसमें पूर्ण है, अब हमको तुरंत उन काम को शुरू करना चाहिए। कोविड का यह संकट मालूम नहीं कब तक चलता रहेगा, ऐसी स्थिति में बिना विलंब किए हमने तय किया कि अब इस कार्यक्रम को हमको शुरू करके एक बार इसका शिलान्यास करना चाहिए, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं। पर आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 14 करोड़ से ज्यादा की 14.5 करोड़ के लगभग जो सारी योजनाएं आज जो एक साथ हम बाली चौकी में जिनका हम शिलान्यास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से जब आप सबके बीच में आने, ना आप रोक पाते हैं ना हम रोक पाते हैं, लोग आएंगे, लोग मिलेंगे भी। ऐसी सूरत में उचित समझा हमने कहा ये विकास के कार्य जो हमने शुरू करने हैं उनको हम शुरुआत कर दें, ताकि एक साल के अंदर अंदर हम इन सभी योजनाओं को बना करके तैयार करें। आज जो है हमारा खोड़ा नाल का जो हमारा खड्ड का जो ब्रिज है, पुल है, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा लगभग 1.67 करोड़ की लागत से, और उसी प्रकार से फाउंडेशन स्टोन जो है हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला नाल की बिल्डिंग का भी रखा 1.55 करोड़ की लागत से। शार्टी में साइंस लैब का हमने आज शिलान्यास किया।
1,46,00,000 की लागत से पंजाई में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग का शिलान्यास किया। 1,55,00,000 की लागत से सोमनाचिनी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शिलान्यास किया। 2,74,00,000 की लागत से पीएससी बिल्डिंग थाटा की, उसका हमने शिलान्यास किया जो लंबे समय से लंबित था। मेरी इच्छा थी कि मैं थाटा आऊं, थाटा काफी अरसे से आना नहीं हुआ। 3,30,00,000 की लागत से, 3,30,00,000 रुपए की ये बिल्डिंग बन करके तैयार होगी। इसके लिए हम कोशिश करेंगे जल्दी ये भवन बन करके तैयार हो जाए। और उसी प्रकार से आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो हमारा सोमनाचिनी का है, उसके भी 78,00,000 की लागत से हमने उसका भी शिलान्यास किया आज। और उसी के साथ साथ में शेगली जीपी माणी का जो हमारी एक पानी की छोटी स्कीम है, 29,50,000 की लागत से इसका भी हमने आज रिमॉडलिंग का शिलान्यास किया। और इसी प्रकार से एक रिमॉडलिंग की हमारी स्कीम वाटर स्काई WSS सेरी ग्राम पंचायत बनवास, वो भी हमने 20,00,000 की लागत से उसका भी आज शिलान्यास किया। और उसके अतिरिक्त जो है वो रिमॉडलिंग ऑफ जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम सोमगार्ड Phase 1 and Phase 2 जो वो भी हमने तैयार किया आज, इसका भी हमने शिलान्यास किया। लगभग 80,00,000 की लागत से ये भी स्कीम जो है वो बनकर के तैयार होगी। तो इस प्रकार से 10 विभिन्न योजनाओं की हमने शिलान्यास करके जो है शुरुआत की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं। और यहाँ भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।